गोडाझार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, सुपर फास्ट में देख लेते हैं। 11 जून को हो सकता है पृथ्वी का विनाश। उल्कापिंड पृथ्वी से टकराती है, इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। पृथ्वी के करीब से गुजरेगा सबसे खतरनाक उल्कापिंड, वैज्ञानिक भी हैं इससे परेशान। अंतरिक्ष में उल्कापिंडों का भंडार है जो इधर उधर तैरते रहते हैं। ऐसे में कई एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब आ जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले महीने ही सामने आया था, जब 29 अप्रैल के एक विशाल उल्कापिंड धरती के करीब से गुजरा था। हालांकि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से काफ़ी लोग भयभीत हो गए। हाल ही में नासा के एक वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी के पास से कई उल्कापिंड गुजरने वाले हैं। 8 जून को 2 उल्कापिंड भी पृथ्वी के पास से गुजरे थे, अब 11 जून को 2 उल्कापिंड गुजरने वाले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराते हैं तो इसका परिणाम विनाशकारी ही होगा। एक इतना बड़ा अंधविश्वास, किसी लड़की ने कोरोना को भगाने के लिए सी को अपने जीभ काटकर अर्पित किया, ऐसा भी आप कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जानिए पूरा इसका ब्यौरा क्या है, इसका डिटेल्स क्या है, जाने पूरी खबर इनका। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़की का मुंह अंदर से जख्मी है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना को रोकने के लिए यूपी के बुंदेलखंड में ब्राह्मणों ने एक 16 साल की बच्ची की जवान काट रहा है नहीं बल्कि काट कर इसे बलि के रूप में शिव मंदिर पर चढ़ा दिया। फोटो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई, लेकिन ये खबर पूरी सच नहीं है दोस्तों। पूरी सच यह है कि लड़की की जीभ किसी ब्राह्मण ने नहीं बल्कि बच्ची ने खुद ही काटी थी। लड़की के पिता ने बताया कि लड़की शिव भक्त है और कोरोना को भगाने के लिए 20 मई को उसने अपने ऐसा किया था। झारखंड के दुमका जिले के कुम्हारपाड़ा इलाका में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक शराब के नशे में अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर लंबा तार घुसा लिया। शराब के नशे में इंसान अक्सर कुछ न कुछ हरकत कर ही बैठते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। कुम्हारपाड़ा मोहल्ला निवासी आनंद कुमार ने अपने गुप्तांग में लगभग 1 फुट लंबा तार प्रवेश कर लिया। हैरान कर देने वाली घटना बीते मार्च महीने की है, लेकिन बीते शुक्रवार को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर ने सफल ऑपरेशन कर आनंद कुमार के शरीर के अंग से तार को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक 35 वर्ष से आनंद कुमार शराब पीने का आदि है। इसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। पत्नी के चले जाने के गम में वो शराब पीना ज़्यादा शुरू किया और एक रात शराब के नशे में धुत होकर उसने मोबाइल चार्ज को तार काट लिया और अपने गुप्तांग के अंदर घुसा लिया। तार तकरीबन 1 फुट लंबा तार शरीर के अंदर चल गया। तार यूरिनरी ब्लैडर में जाकर अटक गई। लोकलाज के भय से उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन बीते 15 दिन से उसे पेशाब रुकने और पेट दर्द की परेशानियाँ शुरू हो गई। इसके बाद आनंद एक निजी नर्सिंग होम पहुँचा और डॉक्टर को अपनी हरकत के बारे में बताया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। बीते शुक्रवार को यानी कि 5 जून को डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद उसकी यूरिनरी ब्लैडर से तार को बाहर निकाला। इलाज के बाद मरीज की हालत खतरे से बाहर हो गई है। ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार ने का कहना है कि अगर कुछ दिन और तार अंदर रह जाता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। उनका मानना है कि इस तरह की हरकत मानसिक विकृति के शिकार लोग ही कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की मंगलवार को जांच कराई। जांच रिपोर्ट में उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है। मालूम हो गले में खराश और बुखार होने के बाद उन्होंने स्वयं को पृथक कर लिया था। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अभी कुछ दिनों तक घर पर ही आराम करेंगे। अधिकारियों ने बताया था कि 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित है और वह रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि चूंकि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है। उन्हें खांसी और गले में खराश है। वह खुद मंगलवार को कोविड-19 की जांच कराएंगे।
इसके साथ ही आज के समाचार बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, जोहार।